एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक कॉपर बार का जो मास और लेंथ है वो दोनों डायरेक्ट वेरिएशंस में है। अगर यहाँ पे उस कॉपर बार की लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है तो उसका मास होता है 420 ग्राम। तो हमें यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है अगर उस बार की लेंथ 136 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल राइट कर ली है, यहाँ पे मास इन ग्राम एंड लेंथ इन सेंटीमीटर। तो अगर उसकी लेंथ होती है 40 तो मास होता है 420, 136 होगी तो यहाँ पे मास कितना होगा, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट मास ऑफ द बार बी, आप कॉपर बार लिख सकते हो एक्स, कि मान लीजिए उसका मास 136 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, एक्स होगा। मैंने यहाँ पे एक्स राइट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सिचुएशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, ये किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो रेशो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 420/40 इट इज इक्वल टू इसका रेशो एक्स अपॉन के 136। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 × x इट इज इक्वल टू 136 × ये हो जाएगा कितना, 420। ठीक है, 420 तो यहाँ पे, तो x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 136 एंड 420 अपॉन में 40। 136 नहीं है, ये खाली 136 है। ठीक है ना, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। तो इसका जो हमारे पास 34 और 42 का मल्टीप्लाई है वो आता है 1428। ठीक है, तो 136 सेंटीमीटर के लिए उसका जो मास है उस कॉपर बार का वो क्या होगा, 1428 ग्राम। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा, सो मास विल बी 1428 ग्राम फॉर 136 सेंटीमीटर लॉन्ग बार।